वेलकम टू द कपिल शर्मा शो को। पहले कहते हैं आदमी का पड़ोस बड़ा ही खूबसूरत होना चाहिए। सही। फिर आपके घर में गार्डन हो ना हो, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। जैसे सिद्धू बाजी को देख लो आप, इनके चेहरे पे कितना ग्लो रहता है। मैंने पूछा कैसे रहता है, कहते मैं योगा करता हूँ। अच्छा योगा हम भी करते हैं, हमारे तो आता नहीं। ये सब पीछे बैठे पड़ोसियों का कमाल है बाजी। है कि नहीं है? अच्छा बाजी एक बात बताओ, हाँ। आपकी नजर में पड़ोसी कैसा होना चाहिए? जिससे दो आंखें चार हो सके। आपको पता बाजी ये पांडे नहीं अपना ड्रम वाला, हाँ। इसने भी यही सोचा था, इसकी पांच हो गई। लड़की के भाइयों ने घूसा मार के इसके यहाँ एक बना दी, तभी आप देख लो नीचे मुंह करके ड्रम बजाता रहता है। इसीलिए कहते हैं पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, हैं? अगर कहीं पड़ोसी पड़ोसन के काम आ जाए ना तो बड़ा बवाल मच जाता है। अच्छा कुछ पड़ोसी बड़े चलाक होते हैं, आप एक पैसे की चीज मांगो 10 पैसे की मांग लेते हैं। मैं मुंबई में अपने पड़ोसी से पूछा, मैंने कहा ये अंकल थोड़ी बर्फ मिलेगी? अरे वाह भाई बर्फ मिलेगी, एक ड्रिंक मुझे भी दे देना भाई। अब मैंने कहा मैंने पीठ की सिकाई करनी है, मैं 2 रुपए की बर्फ देंगे ना 200 रुपए की ड्रिंक मांग लेते हैं। अच्छा ये हमारे शमशेर पाजी हैं, हाँ। वो मुझे कहते यार मैं एक बात बताऊं, हाँ। मैं क्या कहते पड़ोसी से कुछ भी मांगो, जो प्रेस वगैरह चीजें होती ना कपड़े प्रेस, वो बड़े ध्यान से मांगनी चाहिए। मैंने क्या हुआ, कहते यार मैं परसों गया पड़ोसी के पास, मैंने कहा यार अपनी स्त्री देना मेरी सुबह से जली हुई है, पता नहीं क्या हुआ मेरे मुक्के मार दिए यार उसके। अच्छा मोहल्ले के लड़के कितने भी बदमाश हों, मोहल्ले में कोई सुंदर लड़की रहती ना उसके बाप को सब लोग रिस्पेक्ट देते हैं, हाँ। अगर वो सब्जी लेके आ रहा ना पूछ जाते हैं अंकल मैं उठा लेता थैला, अरे नहीं अंकल, अरे अंकल छोड़, अरे अंकल मैं आपकी बेटी जैसा हूँ प्लीज, थैला उठा के ना लड़की घर पे जाते हैं, वहां पे जाके बेड़ा गर्क होता है जब बाप कहता है बेटे पिंकी बे भैया को पानी पिलाओ। अरे सुनते ही ना लड़के के हाथ से थैले छूट जाते हैं, फिर अंडे और सपने एक साथ टूटते हैं। लड़के इस चक्कर में भी रिस्पेक्ट देते हैं ना लड़की के बाप को, उनको अपना ससुर नजर आ रहा होता उसमें। लेकिन खूबसूरत लड़की के घर चाय हमेशा डॉक्टर या इंजीनियर पीते हैं, फिर ऐसे लड़के बाहर देख रहे होते हैं जब डॉक्टर आता है रिश्ता लेके, बाप और जल में नमक छेड़ता है, बेटे बात सुनो मैं तुम्हारी सिस्टर को देखने आया, भाग के जाके ना बिस्कुट लेके आओ क्रीम वाले लेके आना। लड़का गुस्से में क्या करे फिर, वो और कहीं फ्रस्ट्रेशन निकलती नहीं, वो बिस्कुट जोड़ के ना उसकी क्रीम चाट के देता है। उसको यही होता है कि हमारे मोहल्ले की क्रीम तो तू लेके जा रहा है तो हम बिस्कुट की क्रीम भी ना चाटे। कई बार आप गर्मी में देखना बड़े शहरों में तो लोग अपॉइंटमेंट लेके जाते ना, छोटे शहरों में तो आदमी सीधा जाके बेल में जाता है उनकी। अच्छा आदमी दोपहर में सो रहा है, गर्मी में उठ के आता है, हाँ जी आ जाओ। अब उसका दिल नहीं है मेहमान को ना मेहमाननवाजी करने का, तो वो भी आके आदमी पड़ोसी आके बैठ जाता है। सो रहे थे वो भी, उसकी फ्रस्ट निकली, सोना कहाँ है जी, 2 मिनट सोते कोई ना कोई कंबख्त आके बेल बजा रहता, आप ले चाय लीजिए। चाय लीजिए, आप चाय लीजिए, काजू लीजिए काजू, बस मैंने 2 ले लिए, लिए तो आपने 4, यहाँ कौन गिन रहा है। अच्छा कई पड़ोसी बड़े शातिर होते हैं, हाँ। आपसे दोस्ती करने के लिए पहले आप कुत्ते से दोस्ती करते हैं, हेलो बेबी ओलो, उसको 2 बिस्कुट खिला के ना आपके 4 आलू वाले पराठे खा जाते हैं। अच्छा कुत्ता होता तो मालिक का ही है ना, फिर एक ना एक दिन फिर वो यहाँ से पराठे निकालता है पूरे। आप देखना छोटे शहर में जब रामायण का पाठ होता है ना, हाँ। सारी गली को न्योता देते हैं, जो दूर वाले पड़ोसी ना वो जल्दी आ जाते हैं, जो बिल्कुल बगल वाला होता है ना वो पहले आरती की आवाज सुनता है, जैसे आरती की आवाज आती है चलो 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 भी प्रसाद आ रहा है, उनको पता आरती से पहले प्रसाद मिलेगा नहीं, कहीं तो सोते हुए बच्चे को उठाते, उठो उधर प्रसाद मिल रहा है चल जाके, उधर रोटियां तोड़ रहा है उधर, मर जाके ड्राई फ्रूट भी मिल रहा है उधर। विदेशों में देख लो अगर बगल वाला प्लॉट खाली पड़ा ना कोई देखता भी नहीं है, उल्टा सफाई वाई करवा देते हैं, हाँ। हमारे यहाँ बगल वाला प्लॉट खाली हो ना अपनी गाय बांध देते उधर, हाँ। गोबर उधर दूध सारा इधर। अच्छा कई लोग तो कचरा फेंकना शुरू कर देते भाजी, और कई तो इतने आलसी होते हैं कचरा फेंकने के लिए प्लॉट तक जाते भी नहीं है, हाँ। अपने छत पे चढ़ के ना ऐसे बासी खाने की थैली बांध के ना, जैवलिन थ्रो वाले भी नहीं इतना जल्दी फेंकते जितने ऐसे फेंकते हैं, तो कभी कभी तो गिर जाता है, कभी कभी तो तार पे अटक जाता है वो लिफाफा, फिर नीचे कोई आदमी निकल रहा है ऊपर से कड़ी टपक रही होती है, इससे कड़ी गिर जाती है आदमी सोच रहा है कौए को कड़ी किसने गिरा दी। अच्छा भाजी मैं सोचता हूँ कभी कभी बड़े सेलिब्रिटी ये तो नहीं मांगने जाते होंगे, अगर मांगने जाएं पड़ोसियों घर में तो कैसे जाएंगे ना, शत्रुघ्न सिन्हा साहब किसी घर में चीनी मांगने चले जाए, हाँ। मंगल आया तो कहना चीनू आया तो थोड़ी सी चीनी चाहिए। अच्छा मैं आपको बताऊं सिद्धू पाजी का दिमाग इतना चलता है ना, एक बार इनको पता नहीं दूध चाहिए था तो घर पे था कोई नहीं तो पड़ोसी घर में चले गए, अच्छा मोहतरमा दूध मिलेगा। पड़ोसन कहती हाँ दूध है, तो वो दूध गर्म करने लगी है, शातिर ना सोचते बड़ी जल्दी है, हो गया गर्म थोड़ी सी चीनी डाल दो, उसने थोड़ी सी चीनी डाल दी, थोड़ा सा चावल डाल दो उसमें।
अच्छा दूध मांगने गए तो खीर खा के आ गए. अच्छा आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पड़ोसी जो कभी ना कभी कुछ मांगने आते होंगे या परेशानी होती कई बार, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, प्लीज मोस्ट वेलकम. जी भाई साहब, पता नहीं मुझे क्यों लगता है आपसे पड़ोसी तंग होंगे. नमस्कार सिद्धू जी. नमस्कार. नमस्कार कपिल भाई साहब. कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया. आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं. शुक्रिया सर. सर मेरे पड़ोसन तो बहुत अच्छी है वैसे. पड़ोसन आपकी बहुत अच्छी है. किंतु मैं बोला ना मैंने पड़ोसन तंग होगी इनसे. किंतु कभी कभी इन टर्म्स ऑफ अच्छी कैसे अच्छी मतलब अच्छी है लुक वाइज देखने में अच्छी है. व्यवहार बहुत अच्छा है. व्यवहार बाद में है. मतलब उनके हस्बैंड बाहर रहते हैं कलकत्ते से. कभी कभी बाहर जाते रहते हैं दिन. आप तो बड़े खुश होंगे. हाँ मैं तो खुश रहता हूँ. किंतु मेरी वाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है उसके कारण कि उनके हस्बैंड बाहर रहते हैं. हाँ अपनी वाइफ को जो भी फोन देके जाते हैं वो अच्छा। चार्ज नहीं होता. कभी बैलेंस नहीं होता. जानबूझ के देके जाते होंगे. जानबूझ के देके जाते होंगे जो भी है. तो मेरी वाइफ के पास हमेशा फोन के लिए आती है और बात करती है फोन से. अच्छा हमेशा. मेरी वाइफ डिस्टर्ब होती है. बात ऐसी ऐसी करती है कि हम लोग को बहुत शर्म आती है. कैसी मतलब कैसी बात? रोमांटिक बात करती है. आई मिस यू, आई अडोर यू, आई लव यू. तो हमें अपने पति को कह रही ना आपको क्यों शर्म? आपको शर्म आती है कि गुस्सा आता है? गुस्सा भी आता है शर्म भी आती है. आपकी बीवी आपको ये सब नहीं बोलती है? नहीं बोलती है किंतु वो बोलती है तो ज्यादा अच्छा लगता है. आपकी वाइफ आई है साथ में? आई. अच्छा बगल में बैठी है. कैसी हैं आप? तो पड़ोसी से ये बात नहीं करते पड़ोसन से ज्यादा? करते हैं. करते हैं? कैसी बातें करते? कभी आपने सुनी है? ना नहीं सुनी. सुना करें. मुंबई से आए आप? स्पेशल आपका शो देखने के लिए आए हूं कलकत्ते से. कलकत्ते से? Yes, अरे वाह कलकत्ता तो बड़ा खूबसूरत शहर है. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आप आए इस बार. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. और कोई मेरे दोस्त अपना कोई कोई? जी भाई साहब. हेलो मैं लुधियाना से आया हूँ. जी सर. और आपका इतना बड़ा फैन हूँ कि मैंने आपका मोम का पुतला बना के रखा हुआ लुधियाना में. मिस्टर प्रभाकर. हाँ आई एम प्रभाकर. कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया. मैं मुझे अब वो पेपर की कटिंग किसने भेजी थी? हाँ मेरे ख्याल में ट्वीट भी किया था. हाँ, उसके बारे बिल्कुल ठीक है. बहुत बहुत शुक्रिया सर. आपके मन में क्या आया आपने पुतला बना दिया मेरा? हाँ वो क्या क्या है वही बताने के लिए मैं आपके पास आया. जी जी प्लीज. आज दुनिया इतनी दुखी है. कुछ अपने दुखों से दुखी है, कुछ लोगों के सुखों से दुखी. जी लोग परेशान है कि भैया सुखी क्यों है, मगर आपके माध्यम से सबके दुख दूर हो रहे हैं. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. सर आपने वो पुतला लगाया कहाँ? मॉल में लगाया ना? हाँ मैंने पवेलियन मॉल में वहाँ लुधियाना में एक वैक्स म्यूजियम बनाया हुआ है. तो वहाँ पे तो गर्मी बड़ी पड़ती है अगर पिघल गया तो? नहीं जी वहाँ पर एयर कंडीशन है. मैंने वो देखा भी है पेपर में. हाँ, आया था. तो वो दूल्हे वाली पोज में आपने क्यों बनाया? अगर दूल्हे वाली बात बता दूं तो आप और भी हैरान हो जाओगे. अच्छा जी. आज तक विद इन 2-1 ईयर 5,000 लड़कियां आपके पुतले के साथ शादी करवा चुकी है. सारी लुधियाना से? सिर्फ लुधियाना में. सर संभाल के रखिएगा कल को लुधियाना से कोई बच्चे लेके आ जाए. बच्चे मोम के बच्चे लेके आ जाए. और सिर्फ आपका ही नहीं आपको बताऊंगा आप सुन के और हैरान हो जाओगे जी. आपके मित्र सुनील जी का भी मैंने मोम का पुतला बना. अरे क्या बात है. बहुत अच्छी बात है सर. शुक्रिया प्रभाकर साहब. बहुत अच्छा लगा आपसे. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक्स फॉर कमिंग. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सर. थैंक्स. पाजी एक बात बताओ. हाँ आप कितने साल क्रिकेट खेलते रहे आप? बिल्कुल. विदेशों में आप क्रिकेट खेलने गए. आपको सबसे ज्यादा खूबसूरती कौन से देश की, आई मीन टू से महिलाएं जो हैं वो कौन से देश की अच्छी लगी? महिला तो महिला है रंग लाएगी. मतलब आपको हर जगह ही खूबसूरती अच्छी लगती है? बिल्कुल. मैं अगर कोई एक देश का नाम ले दूंगा दूसरी देश वाली नाराज हो जाएंगी. पूरी दुनिया को खुश रखना है आपने. बिल्कुल. पाजी ऐसे ही एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं. अच्छा. जिनका एक इंडियन लड़की पे दिल आ गया और वो उससे शादी करने के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं. यहां तक कि हमारे शो तक आ पहुंचे. मैं सर. वाह. So please welcome all the way from Australia, Mr. Brettley. खेल के मैदान में जिसने एक तरफा अधिकार किया है, सुन लो गुरु, खेल के मैदान में जिसने एक तरफा अधिकार किया है, अपनी घातक गेंदबाजी से अनेकों बल्लेबाजों का शिकार किया है, ब्रेटली तुम चाहे क्रिकेट खेलो या करो अदाकारी, ब्रेटली की हर अंदाज के ऊपर दुनिया ने बे इंतहा प्यार किया. क्या बात है. सो
I will make you understand in short. He said, the whole world loves you. Am I right? Thank you very much. Correct. मुझे लगता है जितनी स्पीड से इनकी बॉल आती है ना, इतनी स्पीड से आएंगे करके. No, no. मैं बोलूँगा, ओ. बैट्समैनों को थोड़ा डर लगता था. जी. लड़कियों को प्यार आता है. बताओ, समझा दो ना, क्या क्या बोला आपने? The batsman feared him. The women love him. Is it true, Brett? What do you think? I think a lot of girls. You reckon? No, well, look, firstly, thank you very much. Namaste, namaskar. Namaskar. Sat Sri Akal ji. Copy to all ji, copy to all ji. Ab kaise ho? Main bahut acha hu. I'm very good. And I'm happy to know that you can speak Hindi so that my burden is low now. मिल्क विद सम केसर इन इट साइड लाइक हेयर लाइक गोल्ड माय वर्ड्स आर एम्प्टिंग एक्चुअली My words are finishing, but your smartness is increasing. And I'm sure girls are must be crazy about you. But you are crazy about a girl in your movie. So why is this thing reversed from your real life? Thank you. Well. And you will be glad to know that I learned this question only in 7 days. 7 days में मैंने तैयार किया हूँ, फटाफट बोलना है. So. How's it different in real life? Well, in real life, I'm very happily married. Okay, that's a good thing. To my sundar ladki back home. Bahut sundar ladki. No, but look, it's I think most importantly in life, it's about having fun, as the reason why we're on the show tonight. I love how he's sitting there like a king. Look at him. Like a king. He's sitting like a king and the queens and queens and the queens. In India, marriage is a long process. It's like a test match. It's more than a test match. More than a test match. Like marriage in England is like a 20-20. I'm glad he said England, not Australia. But in India, it's a long, long process. First, the parents of girls and the parents of boy, they will meet. Mm-hmm. They will decide. Right. Then, all relatives have to meet with each other's families. Then a Pandit ji will come. A priest, right? Priest. He will decide through his books. I better just write that down, priest. Okay, yeah. Priest. He will decide if they both are okay with each other in the future. And then phir. Then halwai will come. Halwai means the chef. Chef will come to decide about the main menu. The chef. Chef. To decide what kind of sweet should be there in the marriage. So a chef's got a clear, decisive moment of what happens in a marriage. He will decide right with the mutual understanding with the parents. So he will decide what kind of sweets should be there in the marriage. Yeah. After that, in the end, boy and girl will meet in the presence of more than 1,200 people. In short, I would like to say the boys and girl will meet alone on the wedding night. Now you can understand the frustration of guy. That's why, I mean, that's why our population is too much. Am I right, Baji? You know, Indians are very passionate about, in their 30s even, mother is asking, when you will marry? He will say, no. But once he marry, he's like make a rail of kids. You married? No. When's the chef coming? Chef is not always coming. He coming sometimes. But sometimes there is a plate system. You just go to hotel and you order at a per plate system. Then if we are 100 people, we have to pay according to our 100 people. Right. Per plate, 100 people. But we are very smart. We eat only in one plate. All 100 people can eat in one plate only. So we can save the money. Perfect. ओके हम ब्रेट से और भी बातें करेंगे ब्रेट प्लीज हैव अ सीट जोरदार ताली होने ब्रेट के लिए
Brett, tell me one thing. Do you like Bollywood? I love Bollywood. Which actress you like most? Oh, you'd have to say Priti Zinta, you know? Because she hired me for the first three years of IPL. Kya kaha bhai? Priti Zinta ne mujhe pehle 3 saal IPL cricket khilai to achhi hogi hogi. She was the boss. She was the boss. And you love your boss. You respect your boss. Actually, I also like one actress from Australia. Nicole Kidman. Yeah. She's very long, she's very tall. You know, a boy have to jump to kiss her. She's so tall. Please, can you give her a message to Nicole? That she's so pretty that I can marry her even like yesterday. Really? Sorry, tomorrow. I mean, I can marry her like... See, like if I was standing here now and I'm... Just say I'm Nicole Kidman. Okay. You'd have to stand up on here. She's so long. Yeah, so you have to go up on here now. Okay. And that would be sort of... That'd be better. Hi, Nicole. Hello. This is getting very, very weird. Nicole. Yes. Nicole nahi hai, iski puppy mat le lena. Okay, tell me one thing, Brett. How you know that Nicole is so long? You have seen her very closely? Long. Okay. We say tall. Phir nahi pata chala, paaji, kya hua? Keh raha hai, angrezi mein tall hota hai, tu long hi kehta ja raha hai. Yeah, okay. Long. So, tall. Tall. She's very tall and she is a fantastic actress. You know, a great, a great person to come out of Australia. Very nice. Tell me one thing, Brett. If I have to impress an Australian girl, what will I have to do? I mean, I'm just asking. I'm just taking one speak, room, take speak some tips. Good English. Speak good English. Yeah. You mean to say suicide? Instead of English, what can I do to impress an Australian girl? I think you have to be a romantic. I am too much romantic. You know, sometimes my romance is coming out from my shirt and I don't even realize. You'd probably say something like, she'd be sitting here, your sundalariki, sitting right here. And you'd have an ik chai. Chai, yeah. And you'd say, do you want to come back to your house for a chai? Okay. And you'd... Okay. So, I should take that girl to my home for chai. So, you go in here for a chai. Okay. And when you go in first, she locks the door and then you stay inside. That's what happens. You insulted me very well. Main bhi sochu chai peeni hai to ghar kyun leke jana, bahar piyo chai. Very smart answer. I'm very proud of you. Actually, Brett ने अपनी फिल्म में एक टीचर बने हैं जो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया से बाहर से आए लोगों को ऑस्ट्रेलिया के कल्चर के बारे में बताते हैं, भाषा के बारे में बताते हैं. सो यू आर प्लेइंग ए टीचर. वो समझाओ पाजी. सो इन द मूवी ही टीच टू पीपल अबाउट ऑस्ट्रेलियन कल्चर एंड लैंग्वेज. इज द सेम कल्चर सिमिलर टू इंडिया? लाइक इन इंडिया अवर मदर्स used to feed our kids, like my mother sitting there. She's understanding nothing. But she's enjoying because her son is earning good money. Because Sony Channel spends a lot on his son. She's happy wearing two kangans of gold. कुछ नहीं समझ आ रहा ना मम्मी. की क्या ना पे है बेचारा. लंदन जाने की तैयारी करो बस. इंडिया मदर्स यूज टू फीड देयर किड्स दही एंड चीनी, कर्ड एंड शुगर, सो दैट दे कैन परफॉर्म वेल इन देयर एग्जाम्स. इज इट सेम इन ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलियन मदर्स डू द सेम? I'm not sure if they feed them sugar so they do well on their exams, but I'm sure Mum looked after you very, very well. Yeah, she took care of me very well. Mummy, theek se dhyan rakha tha na mujhe? Actually, I was very young, so I don't know if she took care of well or not. Was he a good boy? Main kehte main acha ladka hu ki nahi? Changa munda si, changa munda. Kehte acha ladka hai.
मम्मी कहती हां जी हां जी शी सेड हां जी मान जी बिकॉज शी नोज हेलो बहुत अच्छा लगा बेटा अच्छा ओ नहीं मैं हाँ दोनों ही शी सेइंग यू बोथ हैव वेरी गुड बॉय बहुत अच्छे लगे थैंक यू मम्मी मम्मी कसम खा के बताना एक भी बात समझ में आई जब से आई हो ना मेरे को कोई नहीं पता लगा नहीं ना गुड माय मदर keep supporting me my mom I love you you know what I think it's fantastic that you can do a show here yeah yeah which is very very popular I know all about it and you got your beautiful mother here it's fantastic thank you brother thank you so much actually you know in india there are too many superstitious like if kali billi rasta kat jaye to aap aadmi kaam pe nahi jata if in australia if black cat cut your road do you put brake up nahi It's true, yeah. We also have superstition in Australia. If a black cat crosses the road... Any colour cat. Any colour. Any colour. Is it a bad omen? Yes. Whoa. Yeah. Whoa. It means Australian cats are also vamp. See, if you have a billy run in front... Billy. Oh. Not a kutta, okay. Not a kutta. Billy kutta are enemies. You have a billy run in front of you. Yeah. You have to pull over and do 10 push-ups. 10 push-ups. Yeah. I just made that up, but... 10 push-ups and then you can go And then ahead. You can go again. You've been cleansed again. Brett, you were always a cricketer. Then why did you swing into acting? You know, I'm trying to use cricket terms for making you more comfortable. You can appreciate my effort if you want. How you become actor? Well, I've gone from the nets to the sets. There you go, you can use that. Ah. Nets to the sets, of course, smart answer. The producer and director, Mr. Anupam Sharma, who's here in the audience today. Oh. So Mr. Anupam is there. He produced this movie, An Indian, and he is the director. Mr. Anupam, आप तो हिंदी समझते हैं ना? बहुत अच्छी तरह. शुक्र है भाई मेरे. तो आपने जब ये movie बनाने का decide किया, so आपके दिमाग में कैसे आया कि Brett is the right choice? ये आप सब लोग Brett को as a cricketer जानते हैं, जी. लेकिन मैं पिछले 15 साल से उनको as a performer जानता हूँ. क्यों आपके मैच नहीं आता था टीवी में? नहीं. क्योंकि मैंने उनके साथ हमेशा टीवी कमर्शियल्स किए हैं टीवी सीरीज किए हैं और जब भी मैंने इनके साथ काम किया मुझे इनके अंदर एक भड़कता हुआ बिल्कुल तिलमिलाता हुआ आर्टिस्ट दिखा आपको ऐसे कैसे लगा भड़कता तिलमिलाता आप एक उन्होंने किंगफिशर के लिए ऐड किया था उसका डांस देखे तो आपको पता चलेगा किस जी, जी मैंने बिल्कुल देखा बहुत अच्छा परफॉर्म करते नो डाउट सोनपम जी हमें आप पे बहुत गर्व भी है और ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए और आपके तमाम आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए थैंक यू सो मच नहीं जीत पाई मैं मुझे पता होता ना क्रिकेट में इतना बड़ा जीरो है तू तेरे बदले कपिल देव को ले ली थी मैं कर सकता था ना कपिल देव नहीं कर सकते कभी भी मैंने उनके ओपनर का बैट चुराया हुआ चुरा सकते नहीं माफ करना बुढ़ाऊ जिसे तू बैट कह रहा है ना वो कपड़ा धोने वाला ये थप्पी है थप्पी इसी से मैं तुझे हेलो हेलो हाउ आर यू ग्रैंडमदर दिस मस्ट बी द डॉक्टर या ही इज डॉक्टर आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटी एमबीबीएस आई लाइक यू आई लव योर हेयर यू एंड एमबीबीएस हाउ Yes, MBBS, my bad boy strongest. The shirt. Australia Jitiga. Our washing guy has only this t-shirt today, so man. Okay. Please have a good seat. How you doing? Hi, ha. What? Yeah, she's just sniffing you like a dog. I'd rather a Billy. No, no, no. Cute Billy. आपने बिल्कुल सही कहा था
इंपोर्टेड माल का जवाब नहीं। सच में सॉरी hmm. इतनी चिकनी तो मैं अपनी जवानी में भी नहीं थी। जवानी में सिद्धू साहब जवानी में बड़ी छोले पिचो की हेमा मान लेते लोग इसको सांबा सांबा कहते थे आपको पता। पीछे हेलो डॉक्टर मिश्र ग्लैड आई एम एंड आई विल सिट हियर। थैंक यू डॉक्टर। हैड अ नाइस डे सर। गुड फीलिंग या ब्यूटीफुल डे। चुप कर भैया कबीला। इसने मुझे बर्बाद कर दिया सिद्धू जी। कहीं का नहीं छोड़ा। कैसे? अच्छा कहीं का नहीं छोड़ा। वड़ा पाव के पैसे मैंने दिए। ऑटो से तू निकली उसने बाद में मुझे पकड़ा। बार वाले ने तेरे को लेडी समझ के छोड़ दिया। मेरे को मारा। रो तू रही है। हाँ तो बहुत बड़ा एहसान किया क्या मुझ पर? तुझे पता है अगर हम क्रिकेट जीत जाते ना तो 1100 रुपया मिलता मुझे 1100 रुपया। लेकिन इस मोए मर्दूत की वजह से हम IBL से बाहर हो गए। IBL नहीं IPL। हमारा तो IBL ही था ना, इंडियन बुजुर्ग लीग। मैंने पक्का मैच जिता देना था अगर मेरे पास बॉल होती तो, समझी? लाला अमरनाथ है ना तू। एक मिनट, बहुत हिम्मत है ना तुझमें। चल इसके साथ क्रिकेट खेल के दिखा। लगता है यार सेंचुरी बनानी ही पड़ेगी। She's asking to face you. Yeah, no problem. Cricket match, we have small thing. I will, first of all, we need to do the toss. That is the mandatory thing. You have a coin? Yeah. I just have a match, no problem. Can I have a wicket? I do the toss and you say anything. Heads. Okay. Can I have a look at the heads? Yeah, it's a heads, thanks. ले गया हम आगे भाई। देखो तो अबाओ। बड़े बैट से खेलो। ओके नो प्रॉब्लम। इतना बड़ा बैट मैंने कभी पकड़ा नहीं आज तक। यू कम फ्रॉम दैट साइड बिकॉज आई वांट टू सी द बैंड। यू नो व्हाट, बहुत तेज गेंद करता है, बच के रहना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी थोड़ा तोड़ देगा। हेलमेट वेलमेट डाल ले। हेलमेट डाला ही भगवान ने डाला मेरे दीदी का। Okay, best of luck, Brett. All right. You want to see the band? Huh? You mentioned that you wanted to see the band. I want to see the band. That's the last thing you'll ever see. कर ले साहब, तेरा ही सफाया होने वाला अब। पहले बंदा 10 रुपए ले गया मेरे। रेडी? ओके डू इट। आ गया डॉक्टर साहब, आ गया खेलो, आ गया खेलो, आ गया आ गया। ये क्या तरीका है खेलने का? वो मारेगा। किसने कहा था होशियारी करने को? चल खड़े हो जा। तो हवा निकल गई और पैड भी गलत दिशा में डाला हुआ है। चल ये Right. चल चल उठ जा, चल खेल। Your turn. One player is injured. You die now. कहाँ बेटा, नाला सोपारा जा रहा है क्या? अंधेरी से डाल, अंधेरी में आ, अंधेरी आ। I heard somewhere new dance also. Let's dance. All right, let's dance.
फ्रेश होकर आती हूँ, तुम लोग बैठो, मैं अभी आई। Hi, you don't know that I am the therapist of cricket team. Really? What's your specialty? Breathing वगैरह। I rather called Shane Warne also last night. You know Shane Warne? Little bit. Okay. Let me tell you the truth. Tell me. मेरा काम नहीं चल रहा। My hospital not working. Can you tell people that I have a hospital and the building is very good. Doctor has a good heart. And please give me my fees. It will be very nice for you. The slogan of his hospital is, "We are with you till your death. Rest is in God's hand." I thought it was like if you go in there, you got 50-50 chance of living. Yeah, you got it right. No, I'm scared. No. 50% is Dharamshala, 50% is hospital. You know, 50% we give people on rent. So, इनके कहने से आप डॉक्टर बन जाएंगे? Yeah, foreigners को कहने पे लोग मान लेते हैं सच बात को. ऐसा है, but I have a degree. You just sign it. That's it. People will be fine. But he wants you to give him degree. Yeah, yeah. And tell people. I need a column. Yeah. Column. Chalo, huh? So he want you to give him degree. I'll give you a degree. Yeah, and tell people that he's a great doctor. You can do it on your own risk. Yeah. Okay. I have 15 degrees. Yeah? 15 yeah, degrees. In my elbow. 15 degrees. Yeah. That is a joke. My career is not a joke. Hey, Pandey! Hey, degree le kya ho yaar? मेरे ऊपर डाल फूल, मेरा हो रहा है, उसका नहीं हो रहा है। Get me the mic, please. I want to say something. My patients are idiots. They don't understand English. So, Bradley ji, I will teach you some Hindi, if you don't mind. You have to tell people that ek, do, teen, char. Ek, do, teen, char, panch, chay, sat, aap, no, das. इतनी हमें इंग्लिश नहीं आती जिसको हिंदी आती है जी, इतनी मैं क्या करूं? एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, नहीं नहीं इनको बोलने दो, डॉक्टर गुलाटी की जय जयकार, इंडिया जीतेगा। प्लेट में जीरा है, डॉक्टर गुलाटी चुप कर जा। प्लेट में जीरा है, प्लेट में जीरा है, यू हैव टू डू दिस, प्लेट में जीरा है, प्लेट में जीरा है, डॉक्टर गुलाटी हीरा है, डॉक्टर्स गॉट नो आईडिया, सॉरी, जीरा, जीरा, प्लेट में जीरा है, प्लेट में जीरा है, एनी आ, प्लेट में जीरा है, प्लेट में जीरा है, डॉक्टर गुलाटी हीरे है, डॉक्टर आई लाइक योर लवली हेयर।
Thank you so much. And it is an emotional day for me. बिना कुछ आए गए इस मुकाम तक पहुंचना बहुत मुश्किल था. इसके लिए मैं अपने सब उन पेशेंट्स का थैंक यू करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी सफलता की राह में अपनी कुर्बानियां दी. अच्छा डॉक्टरी जो है ना वो भरोसे की चीज है. इट्स अ मैटर ऑफ फेथ इफ यू सी. एक पेशेंट था सिद्धू साहब, आपको तो कुछ समझ नहीं आ रहा इस वक्त, बट स्पीच आई कैन गो ओनली. एक पेशेंट था, मेरे को पता चला उसको गैस है, तो मैंने उसको कह दिया कि तू प्रेग्नेंट. अब तब से लेकर अब तक डिलीवरी की वेट कर रहा है वो. मैं तो एक पेशेंट के जूते की एडी घिस गई, मैंने कहा तेरी टांगों में प्रॉब्लम है, पिछले 2 महीने से वो स्ट्रेचेस लेके घूम रहे हाथ में. मैटर ऑफ फेथ. एक बंदे का नाम रोहन है, मैंने प्रिस्क्रिप्शन के लिए दिया सोहन. अपने घर की नेम प्लेट चेंज करा दीजिए उसने. ए, ये क्या कर रहे Listen. ब्रेट दुनिया के सबसे तेज फास्ट बॉलर्स में से एक है. पाजी आपने कभी ब्रेट को फेस किया है? अरे मैंने बहुत देखा है, बहुत कमेंट्री किया है. ये आपका आपस में मैच तो नहीं हुआ ना? नहीं, ये सुल्तान ऑफ स्विंग, ये मुझे किंग कहता है ना, ये सुल्तान ऑफ स्विंग था. दो ही बॉलर मैंने दुनिया में ऐसे देखे हैं जो 140 पे गेंद को लहराते थे, तराते थे और केले की तरह घुमाते थे. 140 किलोमीटर पर आवर. मैल्कम मार्शल और ब्रेटली. क्या बात है, बहुत ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग उस पेस के ऊपर. ब्रेट व्हाइल बैटिंग you was, were you scared of any bowler? Everyone. Even spinners. No, well, you imagine, and I actually worked out that probably the last 3 years of my life as a cricketer, that when I open my eyes batting, it's easier. Because normally I was like... But when I watch the ball and I look at the ball, it's easier. But I played against Pakistan and Shoaib Akhtar. Yeah. And me and him get on very well, and my nickname's Binger. So I'm out batting and I've taken my centre mark and I'm up there and I'm sweating, I'm nervous, and I'm like, and I hear Binger, Binger. I'm thinking. And there's Shoaib at about 75 metres back. He's looking at me, he's going, I'm gonna kill you. I'm like, okay, great. So I'm tapping, he's running in, the black hair is flying in the wind, he's steaming in, right? Gets to here. I watch the ball and it's gone, boom, it's hit me straight on the foot. I've appealed to the umpire. How's that? That's gotta be out, surely. And you know what? Do you know what happens? Yeah, what? That silly Australian umpire said, not out. Not out. That's great. You know, I will tell you a secret of Shoaib. Sometimes he don't throw the ball. Sometimes he's doing like this, and he put his ball inside his pajama and do like this. There is no ball. I mean, there is a ball, but there is no ball. I mean, ball is in his pants and there is no ball in front. Oy, oy. That's very good. मुझे बड़ा शौक है international artist को invite करने का, बाद में problem हो जाती है. Tell me one thing, Brett. When players plays in field, they say so many things to each other with full respect. वैसे तो माँ बहन करते हैं एक दूसरे की, एक दूसरे को गालियां देते हैं. I mean to say sledging. So instead of bowling, batting, fielding, is there any special coach for Australian player for sledging? There could be. Or is there own creativity of players? Sledging does happen. And I think it's important for the game that there is that
you know, the energy on the field. You don't obviously cross that line. You don't racially vilify someone. You don't swear too much. But sledging's good. Sledging is good. Okay. So for example, when I was batting against India, the first word I ever heard them say to me was, they call me Karagosh. And I'm... You know what is Karagosh? Well, It's a rabbit. I know it's a rabbit. So I went back and my Indian friend in Sydney and I said, what's a Karagosh? And he goes... I asked my Indian friend. Okay. And he goes, that's a bunny, it's a rabbit. They're saying you're hopeless at batting. I was like, ah, right. So I said, teach me a word for when they say it next time, which I won't repeat on this program. But I said, when they called me a Karagosh, I turned around, I said something, and they just burst out laughing. Kisne kaha tha? I said, no, but say it, we'll cut it. Don't worry. Say it. No. So actually, which team is more into sledging? Indian team, Pakistan team, England team? Or your own team from Australia or South African or West Indies? Probably Ireland. Ireland? Just something. That's one team that you just didn't mention. So I thought I'd just say Ireland. Australia are very good. Australia, India are becoming a lot better. Sledging me. India wale better ho rahe. So we are getting better in sledging. Yeah, but you know what? India's playing such good cricket now. I mean, Virat Kohli. I mean, how good's Virat Kohli? When you have got somebody who bats as good as Virat Kohli, you don't need a sledge. Kya baat hai? Actually, tell me, Brett, one thing. Yeah, please. Tea. Hey. Is it masala tea? Okay. Thank you, Dost. Shukriya. Wow, that's hot. Brett, you were a cricketer. You are an actor now. You have a bookshop or not? Sort of a bookshop, coffee shop, but that's no longer. You have a coffee shop. I heard that you too have a dress shop also. No dress shop. No, it's the wrong information collected by my team. It's the wrong information. I apologize from the depth of my heart. Maybe me and you and your grandmother. Me and my grandmother? Yeah. She's a cheater. You can't trust her. She even cheated her husband. Really? Yeah. We're talking backstage. She was the same. She's a Sundar Ladki. No. You are... Brett, see, you are our guest. I don't want to cheat on you. Don't go with her looks. Really? If you will... Jhaadne, kya kehte hain? I get the visual, I get it. I think you should. If you will shuffle her, you shouldn't shuffle the girls her. Will come out in parts. And the boy will. I mean. No shuffling. She is my grandmother, but. Respect. By nature, she's he. But he's playing she. But Brett, you know, I'm meeting you first time, but I'm impressed by your sense of humor. Beautiful. Thank you. Brett, you have played Holi in your movie, right? Mm-hmm. Have you heard about this festival before? Of course. In the movie, though, because of my Indian-Australian friend, he says we're going to a Holi festival. But I thought it was Holi with a Y. Wine? Why? Holy why? Holy, like holy. Holy, okay. That is another holy. I understand that now. Holy, this is holy. Holy with an I. Yeah. Usme Y lagta hai, isme I lagta hai. Yeah, Y and I. There's a lot of difference between Y and I because I will tell you why. Why? Why? I? Keep your I. Okay, right. In India, when we play holy. Why? Yeah, I will tell you why. In India, when we play holy, we play with our... Babis in villages. Babi mean to say sister-in-law. Right. And some chichora kind of people. Kya kehte hain to? Rowdies. Rowdies. Rowdy guys. Rowdy, okay. Yeah. They make a bahana kya bolte hain? They make excuse to touch the cheeks. Holy hai.
and they enjoy himself. They are so bisharam, they are so shameless, they will not play holy with their wives, but they will play with somebody other's wife. Gareeb ki jorun, sab ki bhabi. Laga do rang, kar do gal gulabi. This is my own poetry. Very good, very good. अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा फिल्म अन इंडियन की लीड एक्ट्रेस द वेरी टैलेंटेड तनिष्ठा चटर्जी. तनिष्ठा आइए, आपका स्वागत है. तनिष्ठा, जब आप ये फिल्म साइन कर रही थी अन इंडियन और आपको पता चला कि ब्रेटली जो है आपके ऑपोजिट हैं और इनसे मिलने से ठीक पहले आपने सोचा था कि फिल्म प्रमोशन के लिए आपको कपिल शर्मा शो में आने का मौका मिलेगा? मैंने बिल्कुल यही सोच के ये फिल्म साइन किया कि आपके शो में मैं आऊं और वो भी ब्रेट ली के साथ. सो ब्रेट, यू एंजॉयड वर्किंग टुगेदर? तनिष्ठा इज फैंटास्टिक. आई मीन सच अ स्वीट डाउन टू अर्थ पर्सन, वेरी टैलेंटेड एंड शी इज एट द टॉप ऑफ द गेम. ब्रिलियंट. थैंक यू. सो एक्चुअली पाजी, हॉलीवुड की मूवीज में इतने गाने होते नहीं है, बट हॉलीवुड की मूवी में एक चीज होती है, जैसे हमारी फिल्म्स में गाना बजाना कंपलसरी होता है, वैसे इंग्लिश फिल्मों में चुंबन जो होता है, किस जो होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है. सो बट इन दिस मूवी अन इंडियन देयर इज अ सीन वेयर ब्रेट इज अबाउट टू किस तनिष्ठा एंड वी हर्ड दैट यू वर नर्वस दैट टाइम. ब्रेट, ऑफ कोर्स. व्हाई वर यू नर्वस? You are a good looking man and she's a beautiful girl. Who is interrupting you? You know what though? Like before we had the, let's say the awkward, passionate scene, she was going 20 minutes to the big scene, 15 minutes to go. And I'm like, going, shut up. So I'm sweating and I'm like nervous, but no, it was fun. But finally you did. रिश्ता, आप नर्वस नहीं थे उस समय? मेरे साथ ब्रेट ली था तो मैं नर्वस क्यों हूं? सो ब्रेट, आर यू अ डेडिकेटेड एक्टर? और एम आई व्हाट? आर यू अ डेडिकेटेड एक्टर? आर यू अ डेडिकेटेड एक्टर? और व्हाट? वेट, आई नो व्हाट यू मीन. गिव मी वन सेकंड ब्रेक. सो टेल मी ब्रेट, टेल मी ब्रेट, are you a dedicated actor who wants to do something according to script or it was your wish only? put it this way, when you got an absolute beautiful co-actor, yeah, and you listen to what the producer and director says, you do your job. It's like the captain saying, I want you to go out and bowl the first ball. You do as a captain says. Okay, it's your opinion, but in my opinion, it's like you have to kiss her and somebody's paying for you. This, there's nothing like that, man. It's like God's blessings. Life's pretty good, isn't it? Main aapko ek gana sikhaun Hindi. Should I teach you a Hindi song? Mukabla? Not mukabla. I will teach you a Hindi song. All right. Okay? You hold this mic. Thank you very much. ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं. क्या बात है? I'll do the translation. ऐसी उलझी नजर, the nazar is jumbling between each other. What? Entangled. Eyes are fighting with each other, boys' eyes and girls' eyes. ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं. Their eyes fought when they looked at each other. Okay, translation. दांत से रेशमी डोर हटती नहीं. He liked to dance around trees. वल्ला ये धड़कन. His heart was beating. वल्ला ये धड़कन बढ़ने लगी है. इट्स इंक्रीजिंग. डर लगता है इश्क करने में जी.
I'm afraid to fall in love. Am I right? Correct. Don't tell me your problems. Dil to bachcha hai ji. The heart is like a kid. Dil to bachcha hai ji. Shukriya, thank you so much. Madam, shukriya. Thank you, Brett. So beautiful. There are your fans who are sitting in the audience. They want to ask you some questions regarding your film. Or whatever you want to ask, please, ek-ek karke aap log apna sawal puch sakte hain. Ji. Hi, Brett. How are you? Badhiya, sab theek hai. Hello, ma'am. Hello. Hi. Hello, Kapil. Hi. I'm a big fan of yours. Thank you, dear. Hello, ma'am. Hello. Ma'am, the question is for you. Okay. Aapne inke saath ek puri movie ki hai. So, he's a cricketer. So, inhone aapko bowling sikhai hai? Nahin, inhone mujhe wicket keeping sikhai. Kya baat. So, ma'am, main chahta hoon ki ye aapko aur Kapil ji aapko bhi bowling sikhaye. Okay. Where's my bat? Chalo. Okay, to ye bowling sikhayenge Tanishta ko. Aur mujhe to kisi ne sikhai nahi batting, main kaise karunga? So he's the wicket keeper now. I'll be Adam Gilchrist. Wait. Oh, yay! And it's sixer! Come on, yeah! It's a fog! Thank you! Clean bolt! जी और कोई मेरे दोस्त जी भाई साहब कम ब्रेट हैव सीट कम तनिष्ठा सर जी ब्रेटली सर से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ जी जी प्लीज सर जी आपके बहुत सारे बिजनेस हैं मेरा भी एक बिजनेस है छोटा सा गारमेंट का हम इस तरह का गारमेंट बनाते हैं जो शरीर को अंदर से आराम दे उसको पहनने में इतना मजा है कि आपको मैं वो फील कराना चाहता हूँ सर आपके थ्रू उसका एड करवाना चाहता हूँ गिफ्ट कर दो यार एंडोर्समेंट मत कराओ ये तो हमारे बुजुर्गों ने भी पहनने बंद कर दिए ये सर यही वाले बनाते हैं हम हैव यू एवर सीन दिस टाइप ऑफ अंडरवियर या वेयर हैव यू सीन दिस टाइप ऑफ अंडरवियर सी दिस वन You only do it when Minika Chana Pene. Sorry, thank you. Just for me. Yes. Sir. You want to take to Australia? Yeah. Acha? Absolutely. And you know, Brett, one thing more, because you are not used to it, so that's why I'm telling you. Jawstring. This is called Nada. So there is no hook in this pant. This is the first ever historical kacha who have buttons. So you just need to adjust this nada according to your waist. If you will come tight, there is a nishan. But you know, in hook and nada, yeah. What is the difference between? Only you can open the hook. But if your kid teach this nada, you are finished. Okay. Yes, sir. So what I'll do is I will make it nice and tight. Tight. And then when I have a butter chicken, I will let it relax. Yes, सही पकड़े हैं बहुत सही वेरी गुड बंदा बहुत तैयार है शुक्रिया सर थैंक यू बात सुन इस बार बात पक्का हो जाना चाहिए ठीक है लड़का तो हैंडसम है रे माइसेल्फ रिंकू देवी हाय हेलो हाय माइसेल्फ रिंकू देवी सिस्टर इन लॉ संतोष हिमसेल्फ एन एस सिद्धि जी इज विदाउट सेल्फ रिस्पेक्ट दिस मैन Anishta, how greatly, Santosli. How is this? Itna kyun sharma rahi hai? Pagal mat sharma.
इतना क्या स्माइल कर रहे हैं? अरे तब क्या करें, मर जाएं? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा स्माइल और मिस कॉल उसको ही देना चाहिए जिसको तुम चाहते हो, ठीक है? She is in love with you, बहुत ज्यादा, इसके अंग अंग में आपके लिए प्यार बसा है, पता है? बात पक्की हो जाएगी, वो कुछ भी बोलते रहे बात पक्की हो जाएगी। आज तो चर्बी के लिए तो जगह नहीं, प्यार कहाँ भरा पड़ा इसके? ऐसी बात कर रहा, आपको शायद पता नहीं है इन्हें इंडियन लड़कियां पसंद है और हम तो कतई जरूरत से ज्यादा इंडियन हो रहे हैं। नहीं तनिष्ठा जी, हम बताते हैं, हम तो इतने इंडियन हैं कि वेस्टर्न पॉट पे भी नहीं बैठते। वो तो इसलिए नहीं बैठते, फिट नहीं आती तू। देखो इनको एक ऐसी इंडियन लड़की चाहिए जिनको इंग्लिश भी आती हो, आपका काम नहीं बनेगा। कमाल का बात कर रहे हैं, इंग्लिश नहीं आता क्या बात कर रहे हैं? अरे हमको इतना इंग्लिश आता है जितना खुद इंग्लिश को नहीं आता है। अरे हाँ, हम तो इंग्लिश में आपको बता रहे हैं, डांस भी इंग्लिश में कर लेते हैं। वो इंग्लिश वाला गाना गाइए ना। है प्रोडक्शन ढोल की ला रहे हैं। Tanishka, चम्मच यू हिट यू नो नॉट हियर हियर ओके ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर अबाउट यू आर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर अबाउट यू आर लाइक अ डायमंड इन द स्काई आई 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 Twinkle little star, how I wonder what you are. Red, you like the dance? I like to watch them dance. I didn't. नहीं पसंद आया? No, perfect. He's scared actually. लड़की, if you don't like the girl, no problem. I will tell you. झाड़ी दे रहे। No, you just keep make him ready for wedding. This is Bindi. Where will you put? मेरे आंखों के सामने ये कैसे हो सकता है? चलो कम से कम तैयार कर रहे हैं। अरे दो उंगली में भी टाइट आ रहा है। खा जा इसको। ये पहना दो। हेलो आओ इसका इधर भर दो। हम तो सपने में भी नहीं सोचे थे इतने अच्छा दामाद जी मिले हैं। इनको पता भी नहीं इनका ब्याह हो गया। हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। इंडिया में इफ यू पुट लाल हियर योर हस्बैंड। ये बाय मिस्टेक हुआ है, ऐसे थोड़ी ना मेहमान को पागल बना रहे हो आप। अब शादी हो गई है तो हो गई है, हो गई है, अभी विदाई होगा बस। सुन, ऑस्ट्रेलिया जाते ही फोन। अरे करूंगी ना। बिल्कुल नहीं करना, कभी नहीं करना। बिल्कुल करने की जरूरत नहीं, फिर विदाई हो रहा है। हाय, तो बिल्कुल नहीं याद आएगी मुझको। चलते चले। रेट
We have also one more tradition to take a selfie with our guests. Sure. So please. Thank you. Thank you, Brett. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for coming. Thank you, Tanishtha. We had a great time. Pleasure. And best wishes for your film, An Indian. You go and watch. You will enjoy. Or, साथ ही साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो.